मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। भागवत जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि जो शाकाहारी खाना खाने वाले लोग हैं, शाकाहारी आप सब ज्यादातर उसी श्रेणी के हैं, इनके लिए उपवास अच्छा नहीं है, ज्यादा लंबा। लेकिन जो मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए। मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए, जो शाकाहारी खाना खाते हैं उनको ज्यादा लंबे उपवास अच्छे नहीं है। अब ये उन्होंने लिख दिया, मैंने इसको फिर ऑब्जर्व करना शुरू किया। प्रकृति में दो तरह के जानवर हैं, आप जानते हैं, कुछ हैं जो मांस ही खाएंगे, हिंसा करके ही अपना पेट भरेंगे, और कुछ हैं जो शाकाहारी हैं, गाय जैसे है, बकरी जैसे है, भैंस है, बैल है, चिड़िया है, ये सब शाकाहारी जीवों में गिनती होती है। लेकिन शेर है, चीता है, लगड़ भग्गा है, लोमड़ी है, कुत्ता है, ये ऐसे जीव हैं जो मांस भी खाते हैं, और कुछ तो मांस ही खाते हैं, जैसे सांप है। बड़े से बड़ा सांप अजगर ले लो और छोटे से छोटा रसल्स वाइपर या करैत ले लो, ये मांस ही खाते हैं। मेंढक को खाएंगे, छिपकली को खाएंगे, केंचुओं को खाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे जीवों को खाएंगे। लेकिन ये बड़े पक्के हैं नियम के, बाघभट्ट का सारा कुछ इन्होंने ही सीखा है। हाँ, अजगर को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, वो एक बार खा लिया वो कुछ भी खा लेगा, एक बड़ी से बड़ी बकरी को खा जाता है। हाँ, इतना खा लेता अजगर, बकरे को खा लेगा, लेकिन खा लिया तो 15 दिन उपवास ही करेगा, 15 दिन उपवास करे, 16वें दिन ही दोबारा खाएगा। फिर तो बागवट जी कहते हैं कि नियम यह है कि अगर आप मांस खा रहे हैं किसी भी तरह का, तो आप लंबे उपवास जरूर करें। अब फिर कारण वही है, वो ये कहते हैं कि ये जो मांसाहारी लोग हैं इनका भोजन जो है ये शरीर के अंदर के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करने वाली ग्रंथियां हैं इनको मंद करता है। मांस का जो पाचन है उसमें से जो कुछ भी आपके शरीर को मिलने वाला है वो आपके शरीर में एसिड रिलीज करने वाली जो ग्रंथियां हैं उनकी क्रिया को मंद करेगा, तो कम निकलेगा, तो वो लंबे उपवास कर सकते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए उन्होंने कहा है लंबे उपवास ना करें, और कोई कारण से आप कर रहे हैं तो ये उनकी बात ध्यान में रखें, बीच बीच में पानी पीते रहें। अब आप बोलेंगे जी पानी कैसा पिए, तो उस पानी के लिए 20-25 सूत्र लिखें, जैसे लौंग का पानी पिए। लंबे उपवास अगर आप कर रहे हैं तो लौंग का पानी पिए, मूंग का पानी पिए। मूंग की दाल आप समझते हैं, उसका पानी बनाना आप सब जानते हैं, मूंग की दाल का पानी पिए, पानी में घी डाल के पिए। ये भागवत जी ने ही लिखा और किसी ने नहीं लिखा। दूध में घी डाल के पिए ये तो चरक ने भी कहा है, सुश्रुत ने भी कहा है, पाराशर ने कहा है, निघंटू ने कहा है, बीसियों लोगों ने। पानी में घी डाल के पिए ये भागवत जी का ही है। वो कहते हैं लंबे उपवास कर रहे हैं तो पानी में घी डाल के, घी माने गाय का घी, भैंस के घी का कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, एक ही जगह किया है, जो पहलवान है कुश्ती लड़ रहे हैं वो भैंस का घी खाएं, बाकी लोगों के लिए भैंस का घी नहीं है, गाय का घी। तो पानी में घी डाल के पिए, पक्का पानी पिए। पक्का पानी आप सब समझते हैं, उबाल के पानी बनाया हुआ। पक्का पानी बनाते समय आप जानते हो थोड़ा चूना भी डाला जाता है, तो चूने का पानी पिए। ऐसे कर करके 23-24 सूत्र उन्होंने लिखे हैं, वो लंबे उपवास करने वालों के लिए हैं। माने आप में से जैन धर्म का पालन करने वाले लोग लंबे लंबे उपवास करते हैं तो उनके लिए है। लेकिन एक जगह बागवट जी कह रहे हैं कि उपवास करने का सबसे अच्छा तरीका एक है, अगर करना ही है तो आप लोग करते हैं ब्यासना करते हैं, एक दिन खाना एक दिन उपवास। वो कहते इसको क्या कहते हैं, एक दिन खाना एक दिन उपवास, वर्षितम, यस माफ करिएगा गलत शब्द बोल दिया, एक दिन खाना एक दिन उपवास, एक दिन खाना एक दिन उपवास, एक दिन खाना एक दिन उपवास, इसको भागवत जी सबसे अच्छा मानते हैं। लगातार 6 दिन खाना और 1 दिन उपवास, वो कहते हैं ठीक है मजबूरी का काम है आप कर लीजिए, लेकिन अगर आपको दिल से उपवास में उतरना ही है
तो ये बेहतर है, एक दिन खाना एक दिन। तो वो कहते हैं कि थोड़े दिन में शरीर इसका आदि हो जाता है और फिर आपके शरीर में एसिड निकलने की क्रिया उसी के हिसाब से होती है। थोड़े दिन में, पहले कुछ दिन तकलीफ आएगी लेकिन थोड़े दिन में आदि हो जाएगा। और शायद इसलिए जैन दर्शन में या जैन समाज में वर्षी तप करने वालों का बहुत महत्व है, बड़ा सम्मान किया जाता है, बहुत गाजे बाजे के साथ उनको मंच पर बिठा के मालाएं डाल के। वो शायद इसलिए है कि वो बहुत वैज्ञानिक काम कुछ कर रहे हैं। तो वो भूख के बारे में कह रहे हैं कि भूख का वेग ज्यादा रोकना नहीं, अगर आप मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं तब तो कभी मत रोकना। भागवत जी कहते हैं कि जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं या किसान हैं उनके लिए उपवास नहीं है, उनके लिए उपवास नहीं है। जो सड़क पे गाड़ी खींच रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं, उनके लिए उपवास नहीं है। उपवास उनके लिए है जिनको शरीर श्रम ज्यादा नहीं करना, उनके लिए। माने आपके लिए मेरे लिए ज्यादा उपवास की बात है, मेहनत करने वालों को ज्यादा उपवास नहीं। उनको तो जब भूख लगे तभी खाना खाने के लिए बोला है, लेकिन वो कहते हैं कि खाने का समय तय कर लें तो भूख भी उसी के हिसाब से लगती है। सुबह का समय वो बोलते हैं सबसे अच्छा, दोपहर का उससे थोड़ा कम अच्छा और शाम का सबसे कम अच्छा। माने सुबह का नाश्ता या भोजन जैसा हो, दोपहर का लंच जो है नाश्ते जैसा हो, और रात का खाना तो बिल्कुल या कम से कम, शाम का खाना कम से कम हो। वो मैं पहले दिन आपको दूसरे दिन